बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी हैव टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 1 फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर एफएससी स्टूडेंट्स सेकंड ईयर। द चैप्टर नंबर 1 इज रिलेट्स टू द फंक्शंस एंड लिमिट्स एंड अबाउट द फंक्शंस वी ऑलरेडी लर्न इन फर्स्ट ईयर क्लासेस इन चैप्टर नंबर 1 2 सेट थ्योरी एज वेल एज ऑलरेडी लर्न इन मैट्रिकुलेशन। सो वी लीड्स टू द फर्दर एडवांस स्टडी अबाउट द फंक्शंस एंड लिमिट्स। सो लेट अस स्टार्ट बाय विद द इंट्रोडक्शन एज वेल एज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। इंट्रोडक्शन। Functions are important tools by which we describe the real world in mathematical terms. They are used to explain the relationship between variable quantities and hence play a central role in the study of the calculus. यहाँ पर बात हुई है important role की कि real life में real world में फंक्शंस का इम्पोर्टेंट रोल है, यानी हर चीज किसी ना किसी के साथ लिंक कर रही है। फंक्शन एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान एक रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस रियल वर्ल्ड में हर चीज डिपेंड कर रही है किसी ना किसी चीज के ऊपर, और ये प्ले करता है सेंट्रल रोल इन द स्टडी ऑफ द कैलकुलस। कैलकुलस क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, जो भी चीज मूव कर रही है। अब इधर ही बात है, जब चीज मूव करेगी तो वो डिपेंड करती है कि किस चीज की किस बेस पे वो मूव कर रही है, कौन से ऐसे नासर है जिनकी वजह से वो बॉडी या पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये सेंट्रल रोल प्ले करता है कैलकुलस की स्टडी में। So that is the introduction about the functions. Now let us start the definition. Concept of function kya hai, yani ye kahan se kis tarah? The term function was recognized by the German mathematician Leibniz, whose period is 1646 to 1746. To describe the dependence of one quantity to another quantity. फंक्शन की जो टर्म है ये सबसे पहले रिकग्नाइज्ड किया था लेबनीज ने, जो जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने डिस्क्राइब किया एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ लिंक, कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ किस तरह डिपेंड करती है। तो जैसे कि एक एग्जांपल दी गई है, द एरिया ए ऑफ द स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स द साइड एक्स। और स्केयर जो है इसमें चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यानी अगर एक साइड एक्स है तो इसका मतलब है चारों साइड्स उसकी एक्स एक्स होंगे। इसका मतलब है अगर एक साइड आपको मालूम हो जाए तो आपको एरिया मिल जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लंबाई ज़रब चौड़ाई। इसका मतलब है एरिया जो है डिपेंड करता है जस्ट लेंथ ऑफ द स्क्वायर। अब ये दोनों का आपस में रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास एरिया निकलता आएगा जो यूनिक होगा, यानी x की एक वैल्यू पुट करने से आपके पास एक ही आंसर आएगा। सिमिलरली द वॉल्यूम वी ऑफ द स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। स्फीयर जैसे बॉल होती है, हम फुटबॉल देखते हैं या वॉलीबॉल देखते हैं या बॉल देखते हैं, तो उसमें जो चीज़ें डिपेंड कर रही होती है वो उसके रेडियस के ऊपर होती है कि वो साइज में कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो इट्स डिपेंड ऑन द रेडियस। तो इट्स वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है आंसर में 4/3 πr³। तो आप r की कीमत यहाँ पे देंगे तो आपके पास वॉल्यूम जनरेट होता जाएगा। तो वॉल्यूम का एक फंक्शन बन गया जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो रिलेट कर रहा है वो r के साथ है। फंक्शन क्या हुआ? अ फंक्शन इज अ रूल आर करस्पॉन्डिंग्स
रिलेटिंग टू सेट्स, ये दो सेट के दरमियान एक रिलेट करता है इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट सेट आपको दिया गया होगा उसका हर एलिमेंट वो रिलेट होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए उसकी सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ, यूनिक एलिमेंट के साथ, वन एंड ओनली वन का मतलब है यूनिक एलिमेंट के साथ आपका रिलेट होना चाहिए। इसी तरह जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में ए और एक्स स्क्वायर के साथ बात की गई है, तो एक्स की जो भी आप एक वैल्यू पुट करेंगे आपके पास एरिया यूनिक आएगा, यानी एक ही एरिया आपके पास आएगा। इसी तरह आर की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो उसके लिहाज से वॉल्यूम भी उसके लिहाज से ही आएगा। सो नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मल डेफिनेशन अबाउट द फंक्शन। तो फंक्शन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, अभी बयान भी कर दिया हमने सेट के लिहाज से। अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज अ रूल आर अ करस्पॉन्डिंग्स आर अ वे दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स विद अ यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई। यानी एक्स सेट का हर एलिमेंट यूनिकली करस्पॉन्ड किया जाएगा वाई के किसी एक एलिमेंट के साथ, जिसको हम फंक्शन कहते हैं। यानी एक्स का आंसर अगर डबल आ जाता है, यानी इमेज उसकी डबल आ जाती है, तब भी आपके पास वो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह एक्स सेट में से अगर कोई भी एलिमेंट रह जाता है जिसका कोई भी इमेज नहीं आता, तब भी आपके पास फंक्शन नहीं होगा। द सेट एक्स जो है इसको कॉल डोमेन ऑफ द फंक्शन, और जो सेट वाई है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन वो होती है जो इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करती है, हम अपनी मर्जी से जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके हिसाब से आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम रेंज कहते हैं, कहाँ तक इसका आंसर फंक्शन का आंसर रिलेट करता है। तो दैट इज द डेफिनेशन अबाउट फंक्शन, डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ द फंक्शन। नोटेशन क्या थी किसी भी फंक्शन को जाहिर करने के लिए? इफ अ वेरिएबल वाई डिपेंड्स करता है किसी भी वेरिएबल एक्स के ऊपर इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू एक्स डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई, यानी एक्स की एक वैल्यू का आंसर आप की मदद से आपको वाई का आंसर मिलता है एक ही, देन वी से दैट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यानी कि सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं एक्स की एक वैल्यू से आपको रिजल्ट मिलता है वाई का एक ही, इस तरह सेकंड वैल्यू पे आपके पास सेकंड आंसर आएगा। तो हम सिंपली से कह सकते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। स्विस मैथमेटिशियन था आइलर जैनी, 1707 से 1783 इसका लाइफ पीरियड था। इसने सिंबल इन्वेंटेड किया था, वो क्या था, यानी किसी भी y is a function of x को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, y is equal to f of x, यानी f की value at x के ऊपर, function की value at x के ऊपर, which is read as y is equal to f of x। यानी ये notation हम commonly use करते हैं y is equal to f at x, यानी y is a function of x। इस तरह यहाँ पे एक चीज depend करती है दूसरे के ऊपर, यानी वाई का आंसर उस वक्त आएगा जब हम फंक्शन में हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स हमारे पास डोमेन सेट में आ जाएगा और वाई आपके पास रेंज सेट में आ जाएगा। फिजिकली रियल वर्ल्ड के साथ अगर हम देखें तो ये फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन की तरह काम करता है, जिसमें आपको इनपुट देनी पड़ती है, फंक्शन में ऑपरेट होने के बाद आपके पास एक आउटपुट आती है। जैसे इनपुट को हम x कहेंगे, उस पर आपने फंक्शन अप्लाई किया तो आपके पास आउटपुट आएगा।
जितने भी हमारे रियल वर्ल्ड में वर्किंग हो रही हैं, वॉशिंग मशीन फॉर एग्जांपल, वॉशिंग मशीन है, फैंस है, ये सारे वर्किंग कर रहे हैं एज ए इनपुट और आपके पास उसके लिहाज से आउटपुट आ रही है। तो वो खुद जो चीज़ डिवाइस होती है वो एज ए कंप्यूटिंग मशीन एक्ट करती है। तो किसी भी फंक्शन को हम कंप्यूटर मशीन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। द वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इनपुट होती है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे हम फैन को यूज़ करें, उसमें रेगुलेटर होता है, उसमें हम अपनी मर्जी से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेगुलेटर हमारे पास क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी हम अपनी मर्जी से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के बेस पर फैन की स्पीड जो है कंट्रोल की जाती है। तो फैन डिपेंड करता है रेगुलेटर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के। और वाई जो होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये डिपेंडेंट वैल्यूज जो है तमाम की तमाम रियल नंबर्स हैं, तो आपके पास जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। अगर हमारे पास x की वैल्यूज कम्प्लेक्स से भी आ जाती है तो वो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे डोमेन, रेंज, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट को इस एग्जाम्पल वन के जरिए चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया गया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन। ये आपके पास एक फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एक्स ये डिपेंडेंट होता है। इस पर डिपेंड कर रहा है वैल्यूज ऑफ एक्स के ऊपर। आप एक्स को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, एक्स को आप वन पुट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, एक्स को टू पुट करेंगे तो आंसर आ गया, एक्स को माइनस टू पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये जीरो, वन, माइनस टू, वन प्लस एक्स, वन ओवर एक्स, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वैल्यूज है, यानी ये सेट एक्स का पार्ट है, दे बिलोंग्स टू द सेट एक्स। और ये जो आपके पास आंसर आ रहा है जीरो की वजह से माइनस वन, वन की वजह से टू, माइनस टू की वजह से माइनस ट्वेंटी फाइव, वन प्लस एक्स की वजह से ये एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स टू, और सिमिलरली वन बाई एक्स की वजह से भी ये जो आंसर आ रहा था, ये जो आंसर आ रहा है ये उसकी रेंज आ रही है। तो ये सेट वाई के साथ लिंक कर रहे हैं, जिसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। यानी माइनस पच्चीस कब आएगा, जब आप इस फंक्शन में माइनस टू पुट करेंगे, इसके अलावा माइनस पच्चीस कभी भी नहीं आएगा। दैट इज द यूनिकली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ माइनस टू। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं डोमेन और रेंज के बारे में, कि हम किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। अब तक हमने ये देखा कि डोमेन पुट कर रहे थे, आपके पास आंसर आ रहा था रेंज। अब हम ये देखते हैं कि अगर जस्ट फंक्शन की बनाओ तो हम डोमेन रेंज उसकी कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनको हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यूज हैं जिनको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे तीन तरह के अभी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर जब फंक्शन हमारे पास जस्ट सिंपल दिया गया हो, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ना तो ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल फॉर्म है और ना ही ये स्क्वायर रूट फॉर्म है, जस्ट ही सिंपल फंक्शन है, ना ही ये पीस वाइज फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि एक्स की कौन सी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करें। क्या हम सारी की सारी वैल्यूज रियल में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? अब एक्स, एक्स को हम यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके हिसाब से आंसर आता जाएगा। इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, मतलब कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो उसका स्केयर, स्केयर जो है किसी भी पॉजिटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब है इसकी जो रेंज आएगी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी, जीरो या जीरो से बड़ी आएगी। इसका मतलब है इसका लिखने का तरीका क्या था, सेट ऑफ आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी सेट ऑफ आर नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव को छोड़ के बाकी जितने भी जीरो या जीरो से ऑनवर्ड्स पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे आ सकते हैं। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया गया रैशनल फ्रैक्शंस की फॉर्म में, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो जब इस तरह के फंक्शन दिया गया है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जो जिनकी वजह से आंसर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है। तो एक्स स्क्र माइनस फोर को जब आप जीरो करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस टू। इसका मतलब है अगर आप प्लस टू भी सब्सिट्यूट करते हैं तब भी आंसर जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में,
अगर आप एक्स की जगह पे माइनस टू पुट करते हैं तब भी आंसर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये टू और माइनस टू आप इसमें सब्सिट्यूट फंक्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सब्सिट्यूट किया तो आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमारी जो डोमेन होगी उसमें से टू और माइनस टू को निकाल देंगे। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन होगी एक्सेप्ट माइनस टू और टू। तो माइनस टू और टू इसमें से निकाल लेंगे, बाकी कुछ भी अगर आप इसमें सब्सिट्यूट करते जाएंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म भी आ सकता है, इंटीजर फॉर्म भी आ सकता है। तो वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर दी गई है, यानी एक्स की पावर वहाँ ऊपर वन है नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। अगर ये दोनों सेम होती, यानी ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, या ऊपर एक्स क्यूब की फॉर्म नीचे कम होती, तब ये पहले डिवाइड होते, डिवाइड होने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं कि हम इसमें क्या चीज़ सब्सिट्यूट कर सकते हैं या क्या चीज़ सब्सिट्यूट नहीं कर सकते। वो तो डोमेन मिल जाती, वो हमें डायरेक्टली भी मिल सकती है, तो एक्चुअली हमें रेंज भी पता लग जाती। एग्जाम्पल फोर में जो पार्ट दिया गया है उसमें स्केयर रूट्स दिए गए हैं। स्केयर रूट के अंदर अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो रेंज इमेजिनरी पार्ट में चली जाएगी। तो रेंज को हमने इमेजिनरी पार्ट में नहीं ले जाना, तो हमने वो वैल्यूज चेक करनी है जिनकी वजह से आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है एक्स स्केयर, किसी भी एक्स वैल्यूज का स्केयर ले, अगर आंसर 9 से छोटा आएगा तब इसका आंसर नेगेटिव बन जाएगा। तो हमें या तो आंसर इसका एक्स स्केयर का 9 चाहिए या 9 से ग्रेटर चाहिए ताकि आंसर पॉजिटिव हो जाए। तो एक्स स्केयर माइनस 9 को जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएगी माइनस 3 और 3 के दरमियान। अगर आप माइनस 3 और 3 के दरमियान इधर जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर जो है इसका नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है जो इसकी डोमेन है उसमें आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिवाय माइनस 3 और 3 के दरमियान वाली। माइनस 3 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि आंसर 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो वो उसकी रेंज बन जाएगी। और 3 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि उसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। लेकिन 3 और माइनस 3 के दरमियान जो भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे 2.99 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर 9 से लेस आएगा, 1 पुट करेंगे तो आंसर लेस आएगा, 2 पुट करेंगे तब भी आंसर 9 से लेस आएगा, तो दैट इज लीड्स टू द नेगेटिव आंसर इनसाइड द स्क्वायर रूट। सो ऑल दोस वैल्यूज व्हिच लीड्स टू द स्क्वायर रूट इनसाइड द स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यूज, तो उन वैल्यूज को हम डोमेन से निकाल दें। और रेंज इसकी क्या बन जाएगी आपके पास, जब आंसर ही सारा स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव हो गया है तो इसकी रेंज भी आपके पास सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपका आज का कंसेप्ट था कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन सेट क्या होता है, रेंज सेट क्या होता है, उसके बाद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल लाइफ में किसी मैथमेटिक्स का रोल क्या है, हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, कैलकुलस क्या है, और डोमेन रेंज और उसके जो रिलेटिंग एग्जाम्पल थी वो भी हमने डिस्कस किए हैं। सो दैट इज नाउ योर असाइनमेंट, योर एक्सरसाइज 1.1। यू हैव ऑलरेडी बुक्स इन योर हैंड, इसमें हमने इन क्वेश्चंस को डील करना है। दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक, करंट टॉपिक। इसमें फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया गया, तो आप इसकी डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इंडिपेंडेंट की, आपके पास आंसर आते जाएंगे। इस तरह बी पार्ट में भी एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट है, इसमें डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आंसर। फॉर एग्जांपल जैसे बी पार्ट में एफ में जो इंडिपेंडेंट है माइनस 2 है, जब माइनस 2 पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4, तो आंसर 2 स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फंक्शन में आपने ए प्लस एच पुट करना है, फिर फंक्शन में ए पुट करना है, फिर दोनों के आंसर को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी आंसर आएगा उसे आपने एच पे डिवाइड। तो दैट इज अ सो सिंपल क्वेश्चन। फंक्शन अगर साइन एक्स या कॉस एक्स दिया गया तो इनको सम या प्रोडक्ट के फार्मूले आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक में 10.4 में दिया गया है। सम से प्रोडक्ट में जाना और प्रोडक्ट से सम में आना, ये यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और लास्ट वन अबाउट द फंक्शन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
पैरीमीटर पी किसी भी स्केयर का उसको फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है एरिया। तो पैरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, यानी स्केयर की चार साइडें हैं और चारों इक्वल होती हैं, तो पी की कीमत हो जाएगी इज इक्वल टू 4x। एरिया ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो एक्स स्केयर होता है, तो पी में एक्स है और एरिया में भी एक्स है। एक्स को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो आपके पास पी और ए की फॉर्म में एक आंसर आ जाएगा, यानी ये पी और ए का एक फंक्शन बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट में एरिया ऑफ सर्कल दिया गया और उसका फंक्शन बनाना है सर्कमफेरेंस के साथ, तो एरिया जो है आपके पास वो पाई आर स्क्वायर होता है और सर्कमफेरेंस जो रहता है वो 2πr होता है, तो आर की कीमत को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास एक नया रिजल्ट बन जाएगा। तो वॉल्यूम वी जो होता है किसी भी क्यूब का वो एक्स क्यूब होता है, और जबकि एरिया जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ से भी एक्स को एलिमिनेट कर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने डोमेन लेंथ फाइंड करनी है, 5 में आपने ए और बी की कीमत फाइंड करनी है। कहता फंक्शन में जब 2 पुट करेंगे तो उसको रख दें -3 के बराबर, एक इक्वेशन बन जाएगी। फंक्शन में -1 पुट करें और उसको रख दें 0 के बराबर तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों को सॉल्व करें तो ए और बी निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये रियल लाइफ के साथ एक एग्जांपल दी गई है कि एक स्टोन को हाइट 60 से फेंका गया है और इन दोनों का रेशियो हाइट का टाइम के साथ जो बुलंदी में कमी आ रही है वो एच एक्स के साथ है, 40 - 10x। एक्स रिप्रेजेंट एज ए टाइम, यानी एक्स 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 30 बन जाएगा, यानी हाइट 30 रह जाएगी, यानी एक सेकेंड बाद हाइट उसकी 60 से 30 भी आ जाएगी। इसका मतलब है अगर आप 2 पुट करेंगे तो आंसर वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, ग्राउंड के साथ टकरा देगा। तो व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो आप इसकी कीमत हाइट को 0 पुट कर दें तो एक्स कीमत +-2 आ जाएगी। नेगेटिव हम नहीं ले सकते इसलिए क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। एक्स 1, 1.5, 1.7 एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम आपकी फाइट फाइंड कर सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट लेक्चर अबाउट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स ऑफ FSC लेवल्स। सो आई होप सो इट इज सो सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल। थैंक यू।